हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू ऐड विदाउट केयरिंग ओके सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टू डिजिट नंबर्स टू डिजिट नंबर्स में और यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर है सिक्स सेकेंड नंबर है थ्री ठीक है तो हमें क्या करना है फर्स्ट नंबर तो है बट हमें जो ये नीचे वाला नंबर है सेकेंड नंबर इतनी ही फिंगर्स निकालनी होगी सो हेयर इज थ्री तो हम कितनी फिंगर्स निकालेंगे थ्री सो वी हैव थ्री फिंगर्स डीज आर थ्री फिंगर्स थ्री फिंगर्स हैं ये वन टू थ्री ओके okay? तो हमारे पर सिक्स है सिक्स के बाद में ये सिक्स है ये सेवन एट नाइन सो कितना आंसर आएगा आपका नाइन ओके देन फोर ऊपर नंबर है नीचे है टू सो so, हमें कितनी फिंगर्स निकालनी है टू सो so, मैंने दो फिंगर्स निकाल ली वन टू और फोर के बाद में एक फिंगर फोर के बाद में क्या आता है फाइव सिक्स टू फिंगर्स फोर और टू ऐड करना ना तो मैंने टू फिंगर्स निकाली फोर फाइव आंसर इज सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऊपर नंबर है टू एंड नीचे फोर तो हमें कहते नीचे वाले नंबर्स की फिंगर्स निकालनी होती है दैट इज फोर सो मैंने फोर फिंगर्स निकाल दी सी फोर फिंगर्स आदे नाउ टू टू के बाद में क्या आता है थ्री फोर फाइव सिक्स ओके क्लियर हुआ ना टू हमें कितनी फिंगर्स निकालनी नीचे वाले फोर तो मैंने फोर फिंगर्स निकाल ली टू के बाद में क्या आता so, okay? है so, हमें कितनी फिंगर्स थ्री को देख के निकालना है थ्री फिंगर्स निकालनी फाइव सिक्स सेवन एट सो ये आंसर इज एट ओके बहुत ईजी है बस आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाले नंबर्स जो भी हैं उतनी ही हमें फिंगर्स निकालनी है और ऊपर वाले नंबर के जस्ट आफ्टर नंबर से उसे हमें रीड करना है नंबर्स को काउंट करना है सो लेट्स सी नेक्स्ट वन ऊपर तो फोर है बट हमें कितनी फिंगर्स नीचे वाले नंबर को देख के निकालनी है तो मैंने फोर फिंगर्स निकाल दी ओके काउंट कर लो जिनको कंफ्यूजन होता है ये वन टू थ्री फोर फोर फिंगर्स निकल गई फोर के बाद में क्या आता है फाइव सिक्स सेवन एट सो इट इज एट ओके नाउ सेवन ऊपर है हमें नीचे वाले नंबर को देख के फिंगर्स निकालनी है सो दैट इज थ्री फिंगर्स थ्री फिंगर्स निकाल दी so, मैंने सेवन सेवन यहाँ पर है एट नाइन टेन दिस टेन, ओके ओके स्टूडेंट्स आपने टू डिजिट नंबर्स का सीख लिया नाउ विल लर्न एडिशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स देखिए यहाँ पर वन टू थ्री थ्री डिजिट नंबर्स है ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस ये कितना है थ्री ओके okay? अब इसमें कितनी फिंगर्स निकालने सिक्स है? एक हैंड में होती है फाइव फिंगर्स और ये हो गया सिक्स ओके okay? यहां पर दिया हुआ है थ्री थ्री के बाद में कितनी फिंगर्स निकाली थी सिक्स तो मैंने सिक्स फिंगर्स निकाली एक हैंड की हो गई फाइव फिंगर्स और उसके बाद में यहां पर आप एक चीज कर सकते हैं कि आप स्मॉलर नंबर की फिंगर्स निकालो वो आपको ज्यादा ईजी देगा ठीक है बट आंसर दोनों तरीके से वही आएगा सो लेट्स सी पहले जो मैंने आपको सिखाया उसकी तरीके से करते हैं थ्री है फिर मैंने सिक्स फिंगर्स निकाली ये रही फाइव फिंगर्स और ये रही वन सिक्स फिंगर हो गई ठीक है तो फिर थ्री के बाद में क्या था फोर ये एक फिंगर है ना सिक्स ये फाइव फिंगर्स है और ये सिक्स वाली फिंगर है ठीक है तो थ्री के बाद में इसे फोर काउंट कर रही हूं थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ओके सो ये आंसर इज नाइन ठीक है अभी जो मैंने आपको एक बात बोली आप वो भी इजी कर सकते हो कि आपने सिक्स देखा और थ्री स्मॉलर नंबर है तो आप थ्री फिंगर्स निकाल लो ओके दीज आर योर थ्री फिंगर्स सिक्स सेवन एट नाइन वॉट इट नीचे का मैंने सिक्स काउंट किया थ्री फिंगर्स निकाली है सिक्स के बाद में थ्री फिंगर्स निकाली है थ्री तो सिक्स तो के बाद में क्या आता है सेवन एट नाइन ओके सो आंसर इज दोनों तरीके से सेम आएगा ठीक है अभी यहाँ पर है एट एट में कितनी फिंगर्स वन एट के बाद क्या आता है नाइन ओके सो इट इज नाइन नाउ टू टू के बाद में टू में हमें कितना ऐड करना है फोर तो टू में कितनी फिंगर्स होनी चाहिए फोर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो ये हो गया ओके okay? बिल्कुल वैसे ही करना है उस बार में टू डिजिट्स थे वन एंड टू इस बार थ्री डिजिट्स है सिमिलर ये क्वेश्चन देखिए थ्री में कितने ऐड है करने हैं फोर तो मुझे कितनी फिंगर्स निकालनी है फोर थ्री में फोर को ऐड करना है तो फोर तो थ्री के बाद में क्या आता है फोर फाइव सिक्स सेवन ओके तो आपको यहाँ पर सेवन लिखना एट में ऐड करनी है जीरो फिंगर्स जब किसी भी हम जीरो ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है सो so, एट ओके किसी भी नंबर में आप जीरो प्लस करोगे तो वही नंबर आ जाएगा so, eight में हमने जीरो प्लस किया तो एट आ गया नाउ सेवन सेवन में कितना ऐड करना है टू तो हमने टू फिंगर्स निकाल लिया ओके नाउ लेट्स सी फोर डिजिट नंबर्स नाउ विल स्टार्ट फोर डिजिट नंबर्स सो पहले थ्री आप थ्री डिजिट वैसे ही फोर डिजिट सेम टू सेम करना है बस आपके नंबर्स बढ़ गए ठीक है सो so, यहाँ पर फोर है फोर में टू ऐड करना है तो हमें टू फिंगर्स निकालनी है एंड फोर में टू ऐड करना है तो मैंने टू फिंगर्स निकाल ली फोर के बाद क्या होता है फाइव सिक्स सो ये आंसर इज सिक्स थ्री है सेकेंड वन थ्री थ्री में कितने फिंगर्स टू थ्री में टू ऐड करना है थ्री में टू ऐड करना है तो मैंने टू फिंगर्स निकाल ली थ्री फोर फाइव सो यह आ गया फाइव ओके नाउ सिक्स सिक्स में कितने नंबर्स ऐड करने हैं थ्री तो मैंने थ्री फिंगर्स निकाल ली सिक्स seven, eight, nine, okay. two, two में कितने नंबर ऐड करने four तो मैंने four फिंगर्स निकाले two, three, four, five, six, okay ये आपका आंसर आ गया ना नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव फाइव में कितने नंबर ऐड करने टू तो मैंने टू फिंगर्स निकाले फाइव सिक्स सेवन सो आंसर इज सेवन ना नेक्स्ट सेवन में जीरो ऐड करना है ज़ीरो मतलब कुछ भी नहीं सेवन में आपने कुछ भी नहीं ऐड किया तो सेवन आ गया ओके नाउ थ्री मैंने आपको यहाँ पर भी बताया एट अगर जीरो ऐड किया तो एट आ गया सेवन में अगर ज़ीरो ऐड किया तो सेवन आ गया ओके नाउ थ्री में कितना ऐड करना है फोर तो हमें कित फोर फिंगर्स निकालने मैंने थ्री फोर फाइव याद रखना आपको थ्री के बाद का नंबर बोलना है थ्री में कितनी फिंग नंबर ऐड करना था फोर तो मैंने फोर फिंगर्स निकाल ली थ्री के बाद में फोर फाइव सिक्स सेवन Seven, okay? Now five. Five में कितना नंबर करना है फोर तो मैंने फोर फिंगर्स निकाल ली फाइव के बाद कौन सा आता है सिक्स सेवन एट नाइन ओके आप लोग बना के करते हो तो आपको दोनों नंबर्स की लाइन बनानी होती है फिंगर्स में भी आप दोनों नंबर्स के फिंगर निकालते हो लेकिन अगर आप नीचे वाला नंबर की फिंगर्स निकालकर ऊपर वाले से ऐड करते जाओ तो आपको ये ईजी भी होता है ऐड करने में और आंसर भी आपका करेक्ट ओके okay?